नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर निर्भया केस से जुड़ी हुई है, जिसमें अब निर्भया के दोषियों को फांसी होने में सिर्फ एक रात की देरी है। आपको बता दें कि निर्भया मामले में चारों दोषियों को शुक्रवार सुबह 5:30 बजे फांसी दी जानी है। इससे पहले दोषी अलग अलग याचिकाएं दाखिल कर खुद को फंदे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा मामले में दोषियों ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दी है। इसमें अलग अलग विचाराधीन मामलों को हवाला देते हुए कहा गया है कि फांसी रोक दी जाए। इतना ही नहीं, दोषियों ने अपनी याचिका में कोरोना वायरस का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा है कि महामारी के समय में उन्हें फांसी नहीं दी जानी चाहिए, यह उचित समय नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्भया मामले के दोषी पवन गुप्ता की उस सुधारात्मक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने खुद को नाबालिग बताया था। इससे पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल में निर्भया मामले के चारों दोषियों को फांसी देने के लिए पवन जल्लाद ने बुधवार को पुतलों को फांसी देकर अभ्यास किया। दोषियों को जेल में शुक्रवार को फांसी दी जानी है। जेल अधिकारियों ने बताया कि पवन मंगलवार को मेरठ से राजधानी पहुंचे और उन्होंने रस्सी से पुतलों को फांसी देकर अभ्यास किया। इस रस्सी का इस्तेमाल दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए होगा। वहीं निर्भया गैंगरेप एवं हत्या मामले के सजायाफ्ता चार दोषियों में से एक अक्षय सिंह की पत्नी गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर बेहोश हो गई। उसके बेहोश होने से पहले कहा कि उसके और उसके बेटे को, नाबालिग बेटे को फांसी दे दी जाए। अदालत के बाहर चीखते हुए अक्षय की पत्नी ने कहा कि मुझे भी न्याय चाहिए, मुझे भी मार दो, मैं जीना नहीं चाहती, मेरा पति निर्दोष है, यह समाज उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। अक्षय की पत्नी ने कहा कि इस उम्मीद में जी रहे थे कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन पिछले 7 साल से हम हर रोज मर रहे हैं। सिंह की पत्नी ने खुद को सैंडल से मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद वकीलों ने इसे समझाया बुझाया। उधर निर्भया की मां ने कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि उसे कानून पर पूरा भरोसा है, दोषी को कल सुबह जरूर फांसी दी जाएगी। आइए अब आपको सुनवाते हैं निर्भया की मां आशा देवी और दोषियों के वकील एपी सिंह ने क्या कुछ कह रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं, पहले आप भी सुनिए। कोर्ट ने इनको इतना मौका दिया कि इनको आदत लग गई है कि चलो फांसी के लास्ट दिन कुछ अचका लेके पहुंच जाओ, फांसी पोस्टपोन करा दो। लेकिन फांसी बार बार 3 बार इसलिए पोस्टपोन हो रही थी कि एक पवन की मर्सी बाकी थी। पवन की मर्सी पीछे खारिज हो गई थी, तभी 4th डेट वारंट जारी हुआ था, तो आज का डेट में उनकी कोई मर्सी बाकी नहीं है। जो भी है जबरदस्ती है, फांसी को टालने की कोशिश है, लेकिन अब हमारे अदालतों को भी इनकी हकीकत पता हो गई है, क्योंकि एक दिन ये पहले आते हैं, तो इसलिए सब कुछ आज खारिज होगा। कल 5:30 बजे फांसी पे लटकेंगे और जरूर लटकेंगे। कल निर्भया को इंसाफ मिलेगा, पूरे देश को इंसाफ मिलेगा। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में पवन की दूसरी क्यूरी पटिशन थी, आज वो खारिज हो गई, उसकी मर्सी तक खारिज हो गई है। लेकिन जो भी है ये जबरदस्ती है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि कल इनको फांसी होगी और निर्भया को इंसाफ मिलेगा, पूरे देश को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अब ऐसी कोई एसएलपी, कोई मर्सी नहीं है जो इस डेट को पोस्टपोन कराए। जो भी है अनलीगल है, जबरदस्ती है कि नहीं, जबरदस्ती का दिखाओ और फांसी को पोस्टपोन कराओ। तो ये अब सब अदालतों को पता है, खासकर पटियाला हाउस सुप्रीम कोर्ट में ये केस बार बार 3-4 महीने से चल रही है, पटियाला कोर्ट में 1 साल से चल रहा है। तो अब ऐसा कोई मर्सी या सरकारी रेमडी नहीं है जो इस फांसी को पोस्टपोन कराए, और मुझे अदालतों पे, अपने न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कि ये 4th डेट वारंट है, लेकिन ये फाइनल है और कल 5:30 बजे उनको फांसी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने पवन के फादर और स्कूल के खिलाफ भी कुछ ऑर्डर किया है कि अगर कागज गलत हैं, यदि जुवेनाइल के कागज गलत हैं, जुवेनाइल नहीं है, तो उस पर कोई एक्शन होना चाहिए? इसका मतलब ये माना है, कुछ नहीं ऑर्डर किया है, इसका मतलब माना है डॉक्यूमेंट सही है, कागज सही है, घटना के समय पवन जुवेनाइल था, लेकिन उसको मान नहीं रहे कोर्ट में। ये प्रेशर है, ये दबाव है, मीडिया ट्रायल और क्या क्या पिटीशन आप फाइल कर रहे हैं अभी? नहीं, अभी तो हमारा पटियाला हाउस में, उसके बाद देखते हैं जो भी प्रोसेस है। अभी हमें ऑर्डर नहीं मिल पाता है, ऑर्डर मिले उसके बाद तो फाइल करूंगा, कुछ ऑर्डर मिलेगा तब उसमें पढ़ूंगा क्या क्या लिखा है क्या क्या नहीं। एक्चुअली हमारी पिटीशन में होता ही है, पिटीशन फाइल होती है उससे पहले ऑर्डर तो टाइप हो जाता है, तैयार हो जाता है, लेकिन मिलता आप लोगों को। तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ सुनील गुप्ता ने बताया कि 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे चारों को फांसी पर लटकाने के लिए इन्हें 3 बजे उठा दिया जाएगा।
हालांकि अपनी फांसी होने के बाद देखते हुए इन्हें 19 से 20 मार्च की रात को नींद आना मुश्किल ही है, लेकिन 20 मार्च की तड़के 3 बजे इन्हें उठाकर इनसे नहाने और नाश्ता करने के बारे में पूछा जाएगा। अगर इनका मन होगा तो यह नहा लेंगी, नहीं होगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इन्हें नहलाना ही जरूरी है। फांसी के दो तख्तों पर 4 हैंगर बनाए गए हैं जहां इन चारों को फांसी दी जाएगी। इनमें से एक तख्ते के लीवर को जल्लाद पवन और दूसरे को जेल स्टाफ खींचेगा। इसके लिए जेल नंबर 3 का सुपरिटेंडेंट ग्रीन सिग्नल देगा। हालांकि जेल के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को यह दोषी एक बार फिर से पटियाला हाउस कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे में लगता है कि गुरुवार को दिन भर अदालती कार्यवाही चल सकती है। यह भी हो सकता है कि फैसला होने में रात भी लग जाए, लेकिन अब इनकी फांसी टलना नामुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर इन चारों को अब कोई कानूनी अधिकार बाकी नहीं बचा है। अधिकारी का कहना है कि वैसे तो चारों के शवों को पोस्टमार्टम DDU अस्पताल में ही कराया जाएगा, लेकिन अगर कानून व्यवस्था की कोई समस्या होती दिखाई दी तो किसी और अस्पताल में भी पोस्टमार्टम करवाया जा सकता है। पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया जाएगा, इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जा सकती है। आप भी सुनिए तिहाड़ जेल के पूर्व PRO सुनील गुप्ता ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मेरा तो जनरली एक्सपीरियंस ये है कि उसको रात को नींद तो आती नहीं है, पर फिर भी जैसे 5:30 बजे इनका है तो 4:30 के आसपास जो है इनको उठाएंगे, चाय वगैरह देंगे, नाश्ता खाएंगे। उसके बाद 5 बजे के आसपास जो है, 5 बजे के आसपास ये जब ये बिल वगैरह का काम पूरा हो जाएगा, उसको एग्जीक्यूशनर को आना चाहिए। और एग्जीक्यूशनर आके इनको पहले तो काले कपड़े पहनाएगा, काला पजामा होता है, काला कुर्ता होता है, हाथ इनके पीछे से बांध देगा, सिर के ऊपर काली टोपी डाल देगा और इनको चलाता हुआ फांसी घर तक ले जाएगा। आपको बता दें कि निर्भया मामले के दोषी अक्षय सिंह की पत्नी ने इससे पहले बिहार के औरंगाबाद के एक अदालत में पति से तलाक लेने की अर्जी दायर की थी। इसमें उसने कहा है कि अक्षय को फांसी होने के बाद वह विधवा के रूप में नहीं जीना चाहती है, इसलिए उसे तलाक दिलवाया जाए। उधर अदालत के बाहर पीड़िता के परिजनों के वकील ने कहा कि दोषियों को कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। वकील ने कहा कि अक्षय हमारे समाज का हिस्सा है, अप्राकृतिक मौत से हर किसी को दुख होता है, लेकिन अक्षय के साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। अदालत ने गुरुवार को सूचित किया कि सभी दोषी अपने सभी कानूनी और संवैधानिक विकल्पों का इस्तेमाल कर चुके हैं और उनके बचने के लगभग सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब एक ही अपराध के लिए एक ही समय पर 4 दोषियों को फांसी दी जाएगी। पवन अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के जल्लाद है। उन्होंने पहले कहा था कि उनके दादा ने सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी पर लटकाया था। इन दोनों को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के संबंध में फांसी दी गई थी। इसके अलावा उनके दादा ने कुख्यात अपराधी रंगा और बिल्ला को भी फांसी दी थी। जानकारी के अनुसार 5 मार्च को एक निचली अदालत ने मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को फांसी देने के लिए नया डेट वारंट जारी किया था। चारों दोषियों को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी। अदालत ने डेथ वारंट को 3 बार इस आधार पर टाल दिया गया था कि दोषियों के सभी कानूनी उपचार समाप्त नहीं हुए हैं और एक या अन्य दोषियों की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषी फांसी के एक दिन पहले तक हर पैंतरा अपनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। दोषी फांसी की सजा रुकवाने के लिए फिर से अदालत पहुंच गए। वह हर बार यह कह रहे हैं कि उन्हें फांसी देने से कुछ नहीं बदलने वाला। एक रिपोर्ट के अनुसार निर्भया के 4 दोषियों में से एक दोषी विनय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल के अधिकारी से कहा कि अगर हमें फांसी देने से देश में रेप रुक जाएंगे तो बेशक हमें फांसी पर लटका दो, लेकिन यह बलात्कार रुकने वाले नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने यह भी बताया कि मुकेश को छोड़कर और किसी भी दोषी का चेहरा देखकर नहीं लगता है कि उन्हें 20 मार्च को फांसी होनी है। दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया के सभी दोषियों को शुक्रवार को सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी। दिल्ली में जेल में फांसी की तैयारी पूरी कर ली गई है। अक्षय ठाकुर को छोड़कर बाकी 3 दोषियों पवन, विनय और मुकेश से उसके घर वाले अंतिम मुलाकात भी कर चुके हैं।
आपको बता दें कि फांसी पर लटकाने के लिए जेल अथॉरिटी ने 10 और कर्मचारियों को विभिन्न जेलों से फांसी देने वाली जेल नंबर 3 में तुरंत प्रभाव से शिफ्ट कर दिया है। 20 मार्च तक इनकी ड्यूटी इसी जेल में रहेगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.